माय नेम इज नरेश द वाशिंग फार्मेसी स्टडी। टुडेस टॉपिक इज अबाउट द ओमिक्रॉन सिम्टम्स और कुछ मिथ्स होंगे जिनको हम रूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिथ की बात करते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो क्या आप एक्सपोज हो सकते हैं ओमिक्रॉन के साथ या नहीं। यस यू कैन बिकॉज इट इज़ ओनली इम्यूनिटी सपोर्ट। अगर आपने बूस्टर डोज लगवाई है तब भी आप एक्सपोज हो सकते हैं क्योंकि आपकी सिर्फ इम्यूनिटी ही आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। अदर देन दैट इज़ द वायरस दैट इज़ कंटिन्यूसली म्यूटेटिंग। जितनी देर तक म्यूटेट करता रहेगा तब तक हम इनकी मेडिकेशंस के बारे में भी कुछ ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स में नहीं बता सकते। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो डेल्टा वेरिएंट के और उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के और भी कोविड 19 के काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं। इसमें जो स्पेसिफिक यूनिक फीचर दैट इट कम्स विद द फ्लू। फ्लू इसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज नहीं होती हैं और इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। फरिंजाइटिस और इसमें रनी नोज़ भी देखा जा रहा है जिसमें आपका नोज़ रनी पोजिशन में होगा और इसको ट्रीट करने के लिए आपको कुछ मेडिसिंस भी लेनी पड़ेंगी। अगर आप इसको देखें तो आपको फरिंजाइटिस या फिर सोर थ्रोट सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर है जो कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो इसमें सोर थ्रोट और फरिंजाइटिस इसमें हमारे गले में कंटिन्यूसली पेन रह सकती है उसको ट्रीट करना और उसके बाद हमारे फ्लू होने की वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन हो सकती है या फिर हमें टाइडनेस भी फील हो सकती है। अदर देन दैट कफ डायरिया नोज़िया और वोमिटिंग एक कॉमन और लेस मैनेजेबल फीचर है और ये भी इसमें देखा जा रहा है। तो आज की ये वीडियो थी अबाउट ओमिक्रॉन सिम्टम्स। नेक्स्ट वीडियो होगी कि हाउ टू ट्रीट द ओमिक्रॉन वायरस। Thank you for watching this video. If you have any queries, then post it down. Please subscribe if you want more videos like this. Thank you.